हेलो, वेलकम टू माय चैनल विद्या क्लासेस। हाउ आर यू टुडे? आई विल डिस्कस मोर वर्क पैटर्न्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पैटर्न्स टेकिंग इंट्रोडक्टरी इट। इट का यूज करते हैं ना, इट इज इंट्रोडक्टरी नॉट एज प्रोनाउन। आवर फर्स्ट पैटर्न इज सब्जेक्ट, बी फॉर्म ऑफ वर्क इज वाज वर आर, दैट इज बी फॉर्म। देन वी कैन यूज एडजेक्टिव और नाउन एंड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क, दैट इज इन्फिनिटिव। हाउ, लेट अस सी। इट इज रॉन्ग टू स्टील, हियर इन्फिनिटिव। देन इट इज इन ऑल सेंटेंसेस इंट्रोडक्टरी इट इज देयर। इट्स डेंजरस टू स्विम इन दिस रिवर, डेंजरस टू स्विम, टू स्टील, इन्फिनिटिव इज देयर। दो सेंटेंस कैन बी लाइक दिस, टू स्टील इज रॉन्ग, बट दैट्स वेरी फॉर्मल एंड इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। सो इन इनफॉर्मल वेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी यूज इंट्रोडक्टरी इट। इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, अगेन इन्फिनिटिव। इट वॉज ए मिस्टेक टू इग्नोर हर एडवाइस। इट वॉज फन टू वॉच, इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव द एंटिक्स ऑफ द मंकीज। एंटिक्स क्या होता है? ऑड बिहेवियर, स्पेशली टू एम्यूज। आपने बंदरों को देखा होगा ना, तरह तरह की हरकत करते हैं, तो उसको हम एंटिक्स कहते हैं। सो इन्फिनिटिव का यूज। दीज सेंटेंसेज एडजेक्टिव नाउन हैव बीन यूज्ड इन जनरल सेंस, बट वी कैन रिस्ट्रिक्ट, हम उस यूज को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नाउ हैव ए लुक एट दीज सेंटेंसेस। वही सब्जेक्ट प्लस बी एडजेक्टिव नाउन फॉर, फॉर करके यानी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फॉर मी, फॉर यू, फॉर देम, फॉर देम, उनके लिए ऐसा, हमारे लिए ऐसा। तो हमने उस यूज को, उस एक्सप्रेशन को क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंड अगेन टू इन्फिनिटिव। इट वॉज ए मिस्टेक फॉर हिम, हमने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया है, स्पेसिफाई भी कर दिया है, उनके लिए ऐसा है। इट वॉज ए मिस्टेक फॉर हिम टू इग्नोर डॉक्टर्स एडवाइस। इट्स डेंजरस फॉर देम, हियर देम, टू क्रॉस द ब्रिज। इट वॉज फन फॉर चिल्ड्रन टू स्प्लैश वाटर ओवर वन अनदर। स्प्लैश क्या होता है? पानी के छींटे गिराते ना एक दूसरे के ऊपर ड्रॉप्स, तो उसको हम स्प्लैश कहते हैं। तो ये आपका इस तरीके से इन्फिनिटिव के साथ इंट्रोडक्टरी इट का यूज है। नाउ मोर यूजेज आर देयर विद इंट्रोडक्टरी इट। वी कैन यूज क्लोज ऑल्सो, क्लोज एज I had told many times, a part of sentence that has its own subject and verb, that's clause. Subject. Now sentence is, it's possible that he did not get the message. Here clause, noun clause is there. We have started the clause with that. It's a mystery how the king died. Clauses, no, all clauses do not start with that. Adverb clause, adjective clause, there may be other conjunctions also. Here conjunction is how. How the king died. So, use of it. It's high time you went to bed. Now, I told you in one video, when there is a phrase, high time, it's time. So in even present tense, we use past indefinite tense, you went to bed. So it
introductory it has been used in clauses. Now introductory it can be used with gerund also. Gerund, first form, plus ing. ing का यूज हालांकि participle का भी formation ऐसे ही होता है but use में difference है. gerund mostly works as a noun, noun की तरह as a subject, as an object. तो gerund की जो function है वो noun की तरह ही है, ज्यादा use होगा. now it's not, चलिए हम negative sentence बनाते हैं. While losing temper, it, use of it, adjective or noun, here gerund, losing temper, gerund, sitting on the bank of the river, gerund, living, gerund, meeting, gerund. So introductory it can be used in all these patterns, and this is used in literary language also and in conversational English also. Okay, I hope it's clear. So any difficulty you can write. जाने से पहले लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें.